Good morning, students. I am Madhvi from Happy Cambridge School, your SST teacher. Student, today we will continue our remaining chapter, chapter number first, the Earth. हमने कहाँ तक पढ़ लिया था कि जहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि sky and land meet कर रहे हैं आपस में, उस place को क्या कहते हैं? Horizon कहते हैं, ठीक है? अब देखिए, actually the land and sky never meet. असलियत में क्या होता है कि जो लैंड होती है, धरती होती है, और स्काई, वो कभी भी आपस में नहीं मिलते हैं. कभी मिलते हैं? नहीं मिलते. दे जस्ट सीम टू मीट. वो हमें लगता है ऐसा कि मिल रहे हैं जब हम दूर से देखते हैं या ऊंचाई से देखते हैं. वास्तव में ऐसा नहीं होता. व्हेन वी मूव टुवार्ड द होरिजोन वी फाइंड इट मूविंग फर्दर अवे. इन फैक्ट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी द होल लैंड सरफेस एट अ टाइम. जैसे जैसे हमें जब लगता है कि वो आपस में मिल रहे हैं, लैंड और स्काई, तो जैसे जैसे हम उसके पास जाते हैं, वो और दूर होते चले जाते हैं, होते चले जाते हैं. और इनफैक्ट जो हमारी लैंड है, जो हमारा लैंड सरफेस है, वो इतना बड़ा है कि हम उसको एक टाइम में देख भी नहीं सकते. दिस प्रूव दैट इट इज़ मच बिगर दैन इट अपेयर टू बी. इससे क्या प्रूव होता है कि जितनी वो दिखती है उससे कहीं ज़्यादा बड़ी है. क्या? अर्थ, ठीक है. इफ़ वी स्टैंड एट द सी शोर एंड लुक एट द सी, द स्काई एंड द वाटर सीम मीटिंग एट अ फार ऑफ डिस्टेंस. ये क्या कह रहे हैं कि अगर हम समुद्र के किनारे पर खड़े हो जाएं या थोड़ी उससे दूरी पर खड़े हो जाएं और हम देखें, तो हमें क्या लगता है कि जो समुद्र है और जो स्काई है, वो क्या कर रहे हैं? आपस में मिल रहे हैं, है ना. तो उस प्लेस को क्या कहते हैं? वाटर हॉरिजोन कहते हैं. ध्यान रखना, समुद्र में क्या होता है? पानी होता है ना. पानी को क्या कहते हैं? वाटर. तो इसको क्या कहेंगे? वाटर हॉरिजोन कहेंगे, जहाँ पर हमें लगेगा कि स्काई और सी मीट कर रहे हैं आपस में. एक्चुअली ये मीट नहीं करते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है, ठीक है. बट इन रियलिटी दे नेवर मीट एनीवेयर, ठीक है. लेकिन वास्तव में ये कहीं पर भी नहीं मिलते. सो इट बिकम्स क्लियर दैट द वाटर बॉडी इज बिगर देन व्हाट वी कैन सी. मैनी पीपल लिव नियर द सी. बहुत सारे पीपल रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं समुद्र के आसपास. द प्लेस वेयर लैंड एंड वाटर मीट इस कॉल्ड कोस्ट. अब देखो बेटा, समुद्र का जो पानी होता है, जो समुद्र का पानी होता है, जब समुद्र का किनारा आता है तो लैंड आती है ना. तो जो समुद्र का किनारा होता है, जहाँ पे लैंड और जो सी होती है आपस में मिल रहे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कोस्ट कहते हैं, ठीक है. क्या कहते हैं? कोस्ट कहते हैं, ठीक है. हिंदी में इसको समुद्रीय तट भी कहते हैं. अवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिक लेयर ऑफ एयर विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस. जो हमारा जो हमारी अर्थ है वो क्या है? जो हमारी अर्थ है वो किससे सराउंडेड है? थिक लेयर ऑफ एयर, और उसमें बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है, ठीक है. ऑल लिविंग बींग्स ब्रीथ इन दिस एयर. जितनी भी लिविंग बींग्स हैं वो इस एयर में क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं ना हम लोग. द कवर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमोसफेयर. जो कवर होता है अर्थ का, जो कवर होता है एयर का अर्थ के चारों ओर, वो हमारा क्या कहलाता है? एटमोसफेयर कहलाता है. इट एक्सटेंड 1600 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ. और ये कहाँ से कहाँ तक है? इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? 1600 किलोमीटर ऊपर तक है, ठीक है. अर्थ सरफेस के 1600 किलोमीटर तक हमारी जो लेयर होती है एयर की, वो पाई जाती है. द एयर गेट थिनर एंड द फर्दर इट इज़ फ्रॉम द अर्थ. लाइफ ऑन अर्थ इज पॉसिबल ड्यू टू वाटर एंड एयर ऑन इट. हमारी जो लाइफ है वो धरती पर क्यों पॉसिबल है? बिकॉज इट हैज़ एयर एंड वाटर. इसके पास क्या है? एयर और वाटर दोनों हैं, और ये हमारे जीवन के लिए क्या है? बेसिक थिंग है. तो इसके पास दोनों चीज़ें हैं, इसलिए यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, ठीक है. आगे देखिए, डू यू नो इट वॉज मैगलेन हु प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड. किसने प्रूव किया था कि जो अर्थ है वो राउंड है? मैगलेन ने प्रूव किया था, ठीक है. हंड्रेड्स ऑफ ईयर एगो पीपल न्यू लिटिल अबाउट द अर्थ. हजारों साल पहले जो लोग थे वो थोड़ा थोड़ा जानते थे अर्थ के बारे में. दे थॉट दैट द अर्थ वॉज फ्लैट विथ एजेस. जो लोग थे वो क्या मानते थे? कि जो हमारी अर्थ है वो कैसी है? फ्लैट है. दे वर अफेयर टू ट्रेवलिंग टू फार. दे फियर दैट इफ दी वेंट नियर द एज
दे वुड फॉल ऑफ। देखो वो क्या मानते थे कि जो हमारी अर्थ है वो फ्लैट है और अगर वो उसके पास गए या वो ज़्यादा चल रही है तो वो उससे गिर जाएंगे। लोगों को पहले नहीं पता था कि जो हमारी अर्थ की शेप है वो राउंड है, ठीक है। इन 1590 अ स्पेनिश सेलियर नेम्ड मैगलिन सेट सेल ऑन अ लॉन्ग जर्नी। ही अलॉन्ग विद हिज कंपेनियन सेल्ड ऑन एंड ऑन इन दिस सेम डायरेक्शन। मैगलिन डाइड इन 1521। इन 1522 आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी ऑफ 3 ईयर्स हिज कंपेनियंस रीच्ड द प्लेस फ्रॉम वेयर दे हैड स्टार्टेड। दिस लॉन्ग जर्नी अराउंड द अर्थ प्रूव दैट द अर्थ हैज़ नो इट्स एंड इट्स शेप वाज राउंड। देखो बेटा हमारे एक स्पेनिश सेलियर थे, उनका नाम क्या था, मैगलिन था। उन्होंने क्या किया, अपने कंपेनियंस के साथ एक जर्नी स्टार्ट की, ठीक है, कि हम देखते हैं कि अर्थ कहाँ पर जाके ख़त्म होती है। तो उन्होंने एक जर्नी स्टार्ट की, 1519 में उन्होंने जर्नी स्टार्ट की और 1521 में उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई, ठीक है। लेकिन जो उनके कंपेनियंस थे, जो उनके साथ लोग थे, उन्होंने 1522 में, यानी कि मैगलिन की डेथ के एक साल बाद 1522 में क्या किया, अपनी 3 सालों की जो जर्नी थी वो ख़त्म की और वो उसी प्लेस पर पहुंच गए जहां से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। आप सर्कल को देखते हो, ठीक है, जहां पे आप सर्कल से चलना शुरू करते हो एक प्लेस ऐसा आता है कि जहां से आपने चलना शुरू किया था वापस वहीं पे पहुंच जाते हो। तो ऐसा ही उनके साथ हुआ, जब उनकी 3 साल की जो जर्नी थी वो ख़त्म हो गई तो एक वो उसी प्लेस पर पहुंच गए जहां से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। इससे उन्हें क्या पता चला कि जो हमारी अर्थ है वो क्या है, राउंड है। और इसी ने प्रूव किया कि जो हमारी अर्थ है उसकी शेप कैसी है, राउंड है, उसका कोई किनारा नहीं है, वो कोई फ्लैट नहीं है, ठीक है। अर्थ इज़ अ राउंड इन शेप। चलिए बेटा आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आपको जो भी डाउट हो पढ़ लेना, हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे।